यूपी के सीएम योगी पूरी तरीके से एक्शन में हैं। प्रदेश में चौतरफा विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर इसे देश को समर्पित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगामी 16 जुलाई को होने जा रहे पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे हम 14 जुलाई को पूरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास की धुरी साबित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहां से जुड़े हर जिले का विकास होगा और औद्योगिक गलियारा विकसित होगा। पीएम के आगमन पर भव्य कार्यक्रम होगा। देश को बुंदेलखंड के रूप में तोहफा मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। यद्यपि मार्च 2020 से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समय सीमा से पहले लगभग 300 किलोमीटर लंबी यानी 296.5 किलोमीटर की पूरा एक्सप्रेसवे है, और अगर इसमें अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को देख लिया जाए तो 300 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को हम लोग 14 जुलाई तक कंप्लीट कर रहे हैं। यानी ये कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत जो मरम्मत आदि के कार्यक्रम है इस वर्तमान में चल रहे हैं। 16 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जालौन में इसका लोकार्पण करेंगे, यानी इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी तो बनेगी ही, साथ साथ एक्सप्रेसवे के हर जनपद में जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन सभी में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी कम होगी, बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद से दिल्ली की दूरी कम होगी। प्रोडक्शन कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश की जिससे है, उसके दो महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट बुंदेलखंड में ही पढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की आधारशिला बनेगी और बुंदेलखंड के विकास के अभियान के साथ साथ देश की राजधानी से जोड़ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के साथ इसे जोड़ करके बुंदेलखंड की यात्रा को और भी आसान बनाने का कार्य होगा। उद्घाटन कार्यक्रम बहुत भव्य हो, दिव्य हो, इस दृश्य आज मैंने एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी मैंने बैठक की है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूरी भव्यता के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो यहाँ का एक सपना था उस सपने को साकार करने के लिए हर बुंदेलखंडवासी आज उतावला है, तत्पर है। हम सभी इस अभियान के बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से 16 जुलाई को तिथि तय की गई है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड के माध्यम से पूरे देश को एक नया उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद जी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।